नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड अचीवर्स में। और एक लंबे समय के बाद फिर से UTT के फॉर्म आ चुके हैं और डिटेल्स ये हैं, देखते हैं। कार्यालय सचिव उत्तराखंड, विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल। और एक और खुशखबरी है कि जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती लटकी हुई थी वो शुरू हो गई है। सरकार ने जो NIOS थे और BED वाले थे उनको द्वितीय प्राथमिकता दी है। पहली प्राथमिकता DLED यानी कि सरकार द्वारा कराए गए हैं द्विवर्षीय डिप्लोमा उनको दी है। कार्यालय शिक्षा सचिव उत्तराखंड विश्वविद्यालय परिषद रामनगर नैनीताल। यह पत्रांक संख्या है, विज्ञप्ति संख्या है। उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा UTT प्रथम और द्वितीय 2021 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए सूचना। देखिए, बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 2009 की धारा 23(1) या 23(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुक्रम में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त 2010 तथा संशोधन अधिसूचना दिनांक 29 जुलाई 2011 एवं 28 जून 2018 के द्वारा राज्य के अशासकीय सहायता प्राप्त, अशासकीय मान्यता प्राप्त एवं राज्य के नियंत्रणाधीन ऐसे प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति पत्र प्रदान किया जाता है में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएँ निर्धारित की गई हैं, जिसके अनुसार इस विद्यालयों में शिक्षकों के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताओं के साथ अध्यापक पात्रता परीक्षा TET उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आपको पता है UTET ये उत्तराखंड स्टेट के लिए है और CTET ये सेंटर का है। आप ये अगर भरते हो CTET तो भी आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी स्टेट में, और आप UTT भरते हो तो केवल और केवल उत्तराखंड में अप्लाई कर सकते हो। ये देखिए शासनादेश है, ये उसके लिए नहीं है, आप लास्ट में देख लीजिए। प्रथम तथा द्वितीय UTT का आयोजन किया जा रहा है। उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम और द्वितीय दिनांक 26 नवंबर 2021 को प्रस्तावित है। तारीख भी दे दी है उन्होंने, 26 तारीख को पेपर होगा इसका, ये ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड पात्रता परीक्षा प्रथम द्वितीय में सम्मिलित होने के इच्छुक अभ्यर्थियों को जो रामनगर है हमारा नैनीताल, उस बोर्ड की साइट पर जाके लॉगिन करना होगा। 1 सितंबर 2021 से ऑनलाइन आमंत्रित होंगे। आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। 30 दिनों का टाइम दिया हुआ है, सायं 5 बजे तक। और शुल्क जमा करने की 30 सितंबर, आपका मतलब 1 तारीख से 30 तारीख का दिन टाइम है, 1 महीने का टाइम है आपके पास फॉर्म भरने के लिए। निर्धारित अंतिम तिथि व समय के बाद परीक्षा शुल्क किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। और परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु इच्छुक व अभ्यर्थी निर्धारित समय सारणी अनुसार ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन कर सकते हैं। इस हेतु आवेदक के पास मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होना अनिवार्य है एवं मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एक ही आवेदक का पंजीकरण स्वीकार होगा। यानी कि आप एक फ़ोन से और एक ईमेल आईडी से सिर्फ एक आदमी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, एक फ़ोन और एक ईमेल आईडी से सिर्फ एक आदमी को रजिस्टर कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ये नहीं होता जैसे पहले करते थे कि आप कैफ़े में जाते थे तो कैफ़े वाला अपनी ईमेल आईडी डाल देता था सबके लिए, तो ये ध्यान रखिएगा। आपका खुद का जीमेल होना चाहिए और एक ही मोबाइल नंबर से एक ही आदमी का होगा। आगे देखिए, ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्रेषित किए गए आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। यानी कि पोस्ट ना कीजिएगा, केवल ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा। उक्त अभ्यर्थी उक्त वेबसाइट जाकर उत्तराखंड पात्रता परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय 2020 सूचना विवरण UTT फर्स्ट एंड सेकंड इन्फॉर्मेशन वाउचर को डाउनलोड कर उसमें दिए गए निर्देशों को भलीभांति पढ़ लें। अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम और द्वितीय हेतु पात्रता के सभी निर्धारित मापदंडों को पूरा करता है तथा अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के लिए उपरांत यह आवेदन करें, अन्यथा किसी भी स्थिति में वह स्वयं जिम्मेदार होगा। परीक्षा शुल्क 1000 रुपये के 2 फॉर्म पड़ेंगे, 600 रुपये का 1 फॉर्म पड़ेगा सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। अनुसूचित जाति, जनजाति और निःशक्त वर्ग इसके लिए 300 रुपये और 500 रुपये। 500 रुपये में आप दोनों फॉर्म भर सकते हो और 300 में एक फॉर्म भरोगे। अब देखते हैं क्या क्या उसकी डिटेल है। टाइमिंग का दिया हुआ है कि जो ऑनलाइन सबमिशन है वो क्या होगा, 1 से 30 तक होगा, शाम के 5 बजे तक। लास्ट डेट सबमिशन की 30 तारीख है, रात के 12 बजे तक। ऑनलाइन करेक्शन ये पेमेंट से पहले यानी कि 30 तारीख से पहले पहले आप
अगर कोई करेक्शन करना है तो कर सकते हो, यानी कि 30 तारीख से पहले पहले अगर कोई भी आपको चेंज करना है आप कर सकते हो। फिर है डाउनलोड एडमिट कार्ड, ये आपको 1-1.5 हफ्ते पहले बता दिया जाता है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन एज इंडिकेटेड इन एडमिट कार्ड, और ये कहा क्या है 26 नवंबर कहा है, अभी पीछे लिखा था 26 नवंबर को प्रस्तावित है, निर्धारित नहीं है प्रस्तावित है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन वो अलग अलग होता है, ऑल ओवर उत्तराखंड कहीं भी हो सकता है। और उस दिन क्या क्या लाना है, एडमिट कार्ड लाना है, फोटो आईडी प्रूफ लानी है, और डॉक्यूमेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आप कुछ भी आएगा। रफ वर्क के लिए ऑल रफ वर्क शुड बी डन इन टेस्ट बुकलेट, द कैंडिडेट शुड नॉट डू एनी रफ वर्क ऑन पुट स्ट्रे मार्क ऑन द आंसर की, आंसर की में कुछ नहीं लिखोगे। अब ये है आपकी एंट्री, 26 नवंबर 2021 को निर्धारित किया गया है कि 26 नवंबर 2021 को पेपर होगा, ये प्रस्तावित है निर्धारित नहीं है। कितने बजे से, 9 बजे से शुरू कर रहे हैं, वो हमारे सारा वो दिया हुआ है, लिस्ट दी हुई है कि क्या होगा, आप इस पे देख सकते हो एक बार, एक नज़र मार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा कि 26 नवंबर को है, सुबह 9:30 से पेपर है। चेकिंग डिस्ट्रीब्यूशन सील, एंट्री इन द एग्जामिनेशन हॉल, टेस्ट कॉमर्स, ये सब रखा हुआ है, यानी कि 10 बजे से पेपर है आपका पहला शिफ्ट, और दूसरा शिफ्ट 2 बजे से होगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए।